हाँ बैटरी वो सब है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, थोड़ी देर पहले दोपहर में एक जो अखबार की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग होती है वायरल हो रही थी कि रेलवे आरपीएफ, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ में एसआई और कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आनी है। 5-6 साल से आप किस कदर इंतजार कर रहे थे और जनवरी में भी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था, और अभी जो आरपीएफ, जो रेलवे जो भी वैकेंसी निकाल रही थी तो इसी फॉर्मेट में निकाल रही थी। तो हमको और बाकी जितने भी आपके साथी हैं उन सबको लगा कि बिल्कुल ओरिजिनल वैकेंसी है। सबने साथी इस पर वीडियो बनाई और सबने आपको बताया कि भाई वैकेंसी 450 के करीब एसआई की और 4200 के करीब इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कुल मिला के 4600। मैंने तो इसके ऊपर रेल मंत्री को फटकार भी लगाई कि शर्म कीजिए, 2010 में आप 10,000 वैकेंसी अनाउंस कर चुके थे और अब आपने 4600 वैकेंसी दी है। फिर बाद में भी शाम में जो पीआईबी फैक्ट चेक करके, ये हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके जो है, इसने निकाला कि भी देखिए ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया गया है। तो आप लोग इसकी वजह से परेशान मत होइए, एसआई और कांस्टेबल आरपीएफ की वैकेंसी आएगी। और अब आपको एक मौका मिल गया रेल मंत्री से ट्विटर इत्यादि के जरिए जवाब मांगने का कि शर्म करके बताइए आप, अगर आपको शर्म हो कि जब आपके पुराने रेल मंत्री ने 2018 में आरपीएफ में 10,000 कांस्टेबल की वैकेंसी का वादा किया था और अब 6 साल हो गई, तो आप ये बताइए कि उनमें कितनी वैकेंसी और जोड़कर 20,000, 30,000, 50,000 आरपीएफ की वैकेंसी कब निकाल रहे हो। अगर 2018 में 10,000 थी, हर साल के हिसाब से अगर आप कहोगे, हर साल के हिसाब से ये वैकेंसी, हर साल के हिसाब से साथी ये वैकेंसी 5-5 हजार भी ऐड होती है, तो 6 साल की वैकेंसी कितनी होगी? 30,000। 10,000 पुरानी 40,000। मैं कह रहा हूं चलो तुम्हें कुछ की छूट दे दी, 35,000 निकाल दो, 30,000 निकाल दो, शर्म करो। इन बच्चों के साथ, बेरोजगारों के साथ इतना मत खेलो, गरीबों की जो हाय होती है बहुत बुरी लगती है। तो आपको कतई भी उदास, निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी क्लियर है, वो आनी है, यूपी पुलिस का री एग्जाम है, एसएससी जी नई नई आनी है, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भी लाके रहेंगे अच्छे खासे पद, अगर तुम सब साथ रहे, अगर तुम सब लोग एकता में, यूनिटी में रहे। बोलो एकता और यूनिटी में रहोगे, अगर हम एक हैं, कहते ना छात्र शक्ति जिंदाबाद, री एग्जाम ले आए ना, अगर हम सब एक हैं, हम कांस्टेबल और आरपीएफ में, कांस्टेबल और एसआई दोनों के पद लेकर आएंगे, अच्छी खासी संख्या में लेकर आएंगे। एक सभी लोग एक साथ, सभी लोग कमेंट्स में लिख दो हम सब एक हैं। ये वीडियो शेयर करके जाना सब तक कि जब हम ट्विटर कैंपेन चलाएं तो सब लोग साथ आ जाएं। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, रेल मंत्री को उसका वादा याद दिलाएंगे कि कम से कम 35-40 हजार वैकेंसी आनी चाहिए। हम तो हर साल की मात्र 5,000 मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम सब एक हैं, छिटके रहे, उस पे देख रहे, उस पे देख रहे, उस पे देख रहे हो, हमारी शक्ति बटी कुछ नहीं है। एक साथ बोलो, शेयर करोगे, सब लोग एक साथ वैकेंसी लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। बाकी एग्जाम प्रो के साथ बने रहिएगा, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। 4 मार्च से रेलवे की नई क्लासेज एनटीपीसी ग्रुप डी इन सब के लिए, आरपीएफ इत्यादि के लिए शुरू हो रही है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। तो वैकेंसी आएगी, मेहनत करेंगे आप जरूर सक्सेस होंगे। लेकिन एक साथ वही बात, छात्र एकता जिंदाबाद, साथ है तो हर अपनी जायज मांग करेंगे, संवैधानिक मांग करेंगे और उसे लेकर रहेंगे। बस इतना ही कहूंगा, बाकी आप सभी लोग एग्जाम प्रो के साथ बने रहिएगा। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर रेलवे परचम से जुड़ना ना भूलें, इसको लेकर उदास ना हो। रब तो मौका मिला है, 5-6 गुना वैकेंसी लेकर आएंगे, आप भरोसा रखो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।